जब भी आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हो, या तो वो किसी कर्म के हिसाब से होता है, या दीक्षा के हिसाब से होता है, या दशा अंतरदशा के हिसाब से होता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये 40 दिन तक आपके ऑरा में एब्जॉर्ब होता है। मंत्र, तंत्र, यंत्र सबकी नॉलेज है तो सही ऑनलाइन। ऑनलाइन चीजों का समय चल रहा है, जो सॉल्यूशन ना मिले ऑनलाइन देख लीजिए, यूट्यूब अवेलेबल है, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। हर रेमेडी आजकल इजीली अवेलेबल है। मंत्र, तंत्र, यंत्र सबकी नॉलेज है तो सही ऑनलाइन। टीचर की जरूरत क्या है, सही मार्गदर्शक की जरूरत क्या है, ऐसी बातें कई बार हमें खतरे में डाल देती हैं। हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आ रहे हैं, और आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं केसेस, कि किसी पॉडकास्टर ने, किसी गुरु ने कोई मंत्र बता दिया या ये कह दिया कि इस मंत्र को ना करें। कहीं तो मन में संशय डाल दिया, आज से पहले मंत्र का फायदा था बट अब करते हुए डर लगता है। जब हम जब भी इस मंत्र को जप रहे हैं, मन के अंदर ग्लानी आ रही है, क्रोध आ रहा है, या कहीं डर आ रहा है। किसी ने अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए एक हल्का सा मसाला डाल दिया, पर उसके ब्रैकेट्स ओपन छोड़ दिए कि जब आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे तो पूरी बात बताएंगे। आपके पास कई बार ऐसे ऐसे मंत्र ऑनलाइन दिए जाते हैं जिसके बाद बॉडी में एनर्जी हाई हो जाती है और डिसबैलेंस क्रिएट होता है। हर मंत्र का एक लिमिटेड स्पैन पर यूज करना जरूरी है, पर उस स्पैन के बाद मंत्र को रिलीज करना भी जरूरी है। जब हम किसी मंत्र को रिलीज करते हैं उसे उद्यापन कहते हैं। मंत्र की शुरुआत भी जरूरी है, मंत्र का उद्यापन भी जरूरी है, और इसी प्रिंसिपल पर हमारे पास चालीसा बनाया गया था। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये 40 दिन तक आपके ऑरा में एब्जॉर्ब होता है, ऑरा के साथ कनेक्ट होता है, फिर इसे रिलीज कर देते हैं। उद्यापन में उस बची हुई एनर्जी को जो काम की नहीं है उसे रिलीज करते हैं, या फिर कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। जब भी आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हो, या तो वो किसी कर्म के हिसाब से होता है, या दीक्षा के हिसाब से होता है, या दशा अंतरदशा के हिसाब से होता है, आप खाली में किसी व्यर्थ पर्पज के साथ में या किसी व्यर्थ धारणा के साथ में किसी का आवाहन नहीं करते। ये महाशक्तियां हैं, इनका हर वक्त आवाहन करना सही नहीं है। कई लोग कई मंत्रों की लगातार साधना करते रहते हैं, उसे उस मंत्र के साथ दीक्षित होना कहते हैं। उनका पर्पज होता है कि 1,00,000 माला जपनी है, 5,00,000 माला जपनी है, आजीवन माला जपनी है। जब भी कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऑरा में वो पर्टिकुलर डेटी या देवी देवता विद्यमान रहता है। ये नॉर्मल लोगों से अलग व्यवहार है। यदि आप एक सामाजिक जिंदगी जीते हैं, शादीशुदा जिंदगी जीते हैं, परिवार के साथ जिंदगी जीते हैं, इतनी बड़ी ऊर्जा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अंटिल और अनलेस आपके पास कोई इसका रीजन ना हो। मैं कई लोगों से आजकल सुन रहा हूं कि भैरव मंत्र की साधना कर रहे हैं, नेट पे आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है। जिन लोगों ने इसके बारे में बात करी वो बहुत समझदार लोग हैं और खुद दीक्षा ले चुके हैं और देते भी हैं। एक छोटे से ब्रैकेट में उन्होंने बात को कह दिया कि इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इफ्स एंड बट्स नहीं एक्सप्लेन हुई, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं एक्सप्लेन हुई। आप जब कभी भैरव को बुलाते हैं, जागृत करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मैं कई लोगों से सुनता हूं काली मंत्र की आराधना कर रहे हैं, महाकाली का जप कर रहे हैं। ये वो एनर्जी नहीं जो हम कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही तो इनको यूं ही इन्वोक कर लें। ये तब इन्वोक की जाती हैं जब इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इनके रीजंस होते हैं। आप सबसे मेरी अनुरोध है, आराधना है, इस बात का निवेदन है कि आप इन बातों को कृपया करके थोड़ा कंट्रोल करें। जब तक किसी चीज के इफ्स एंड बट्स क्लियर ना हो उसकी तरफ बन जाए। कोई मंत्र जप करना है, कोई तंत्र करना है, पहले एक गुरु से मार्गदर्शन ले। गुरु दीक्षित करता है मंत्र के लिए, या गहरी गाइडेंस में जाएं, गहरे मेडिटेशन में जाएं और उस मंत्र से जुड़ के देखें क्या ये आपका मंत्र है। जैसे आपने मुझे गायत्री का पाठ करते देखा है, मैं गायत्री मंत्र की साधना करता हूं, गाइडेंस आई, कुछ गाइडेंस ने रिसीव करके हमें दिया, तब हमने गायत्री को उठाया।
हर वक्त हम गायत्री का जाप नहीं करते, हर रोज गायत्री का जाप भी नहीं होता। जब तक उसका एक रीजन है तब तक हम इसे जपने लेते हैं। प्लीज इन बातों को समझिएगा, अपना ऑरा ढंग से प्रोटेक्ट कीजिएगा और एनर्जी जो फालतू है उसकी ग्राउंडिंग कीजिएगा। हर हर महादेव।